उत्तराखंड में रुड़की पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। जिले में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों ऋषभ पवन त्यागी आलम शंकर को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी पंकज और आलम को मंगलोर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में पंकज और आलम ने पुलिस को बताया कि मंगलोर विधायक के पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों की लूट और रुड़की थाना गंग नहर क्षेत्र में रेड चीफ के शोरूम की घटना को उन्होंने ही अंजाम दिया था। वहीं प्रेस वार्ता कर एसपी ज्ञात मणिकांत मिश्रा ने बताया कि देहात क्षेत्र में जो लूट की घटनाएं इधर हुई उनमें कल कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी, उस चेकिंग के दौरान 2 लड़के आए और उनके वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने रुकने से इनकार किया और गाड़ी भगाने लगे, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आदमी आलम और दूसरा पंकज त्यागी है। उनके पास से देशी कट्टा बरामद किया गया। उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कुल उन्होंने 4 घटनाएं हरिद्वार क्षेत्र में की हैं, जिसमें 3 घटनाएं देहात क्षेत्र की और एक कनखल हरिद्वार क्षेत्र की है, ईजीडे में लूट की है। देहात क्षेत्र में 2 घटनाएं मंगलौर थाना क्षेत्र की हैं, जिसमें एक विधायक श्री काजी निजामुद्दीन के यहाँ उन्होंने लूट किया था पेट्रोल पंप पर, और दूसरा शराब के ठेके पर लूट की थी। तीसरी एक घटना रेड चीफ गंग नहर थाना क्षेत्र के शोरूम में किया था, जिसमें से कि इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे माल बरामद किया गया है। वहीं लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले रुड़की में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को एडीजी द्वारा 10,000 और डीआईजी द्वारा 5,000 और साथ में एसओजी को 2,500 रुपए का इनाम घोषित किया गया। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट।